मुकेश अंबानी को धमकी पर सबसे बड़ी खबर। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। जैश उल हिंद ने कहा यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैश उल हिंद ने मैसेज में लिखा, रोक सको तो रोक लो। संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए ली जिम्मेदारी। इजरायली दूतावास पर भी हमले की मिली थी जिम्मेदारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से हम आपको यह खबर बताएंगे, ध्यान से देखें। मुकेश अंबानी को धमकी पर सबसे बड़ी खबर। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। जैश उल हिंद ने कहा यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैश उल हिंद ने मैसेज में लिखा, रोक सको तो रोक लो। और आतंकी संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए ली है जिम्मेदारी। इजरायली दूतावास पर हमले की भी ली जिम्मेदारी। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, और शिवांगी मौजूद है हमारे साथ सीधे अभी यहां पर मौजूद है मुंबई से। शिवांगी, पहले ये मुझे बताइए, आतंकी संगठन जिसने जिम्मेदारी ली है मुंबई में, अभी इसको लेकर और क्या क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि जैश उल हिंद नामक ये आतंकवादी संगठन है और इसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। यही संगठन है जिसने इस बात की भी जिम्मेदारी ली थी कि दिल्ली के इजरायल एम्बेसी में जो हमला हुआ था उसका उन्होंने जिम्मेदारी लिया था। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर यहाँ पर आई है उसके बाद मुंबई पुलिस जो है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में भी थी कि कहीं इन सब घटनाक्रम के पीछे आतंकवादियों का हाथ तो नहीं है, तो उन्हें एक तरह से एक क्लू मिला है और अब इसी कड़ी में उनकी जांच आगे चल रही है। कल भी हमने देखा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुंबई पुलिस ने, तो साफ तौर पर कहा था कि आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है, क्या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश आतंकी तो नहीं कर रहे थे। साथ ही एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आई है, बिटकॉइन के जरिए पैसों की डिमांड की गई थी अंबानी परिवार की ओर से, और अभी ये देखना होगा क्योंकि ये साफ नहीं हो पाया है। मैं आपसे जो चीजें जानना चाहूंगा, क्या अंबानी परिवार की तरफ से, क्या रिलायंस ग्रुप की तरफ से किसी प्रवक्ता ने अभी तक कोई भी इस पर कोई भी स्टेटमेंट इशू किया है? जी निशांत, कल शाम ही जिस दिन ये घटना घटी उसी के देर शाम हमने देखा कि स्पोक्स पर्सन द्वारा रिलायंस के एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। दो लाइन का ये पूरा का पूरा बयान था। साफ तौर पर इसमें लिखा गया था कि मुंबई पुलिस पर अंबानी परिवार को पूरा भरोसा नहीं, है। नहीं, मैं वो हमें पता है शिवांगी, मैं पूछ रहा हूँ ये जो नई आतंकी संगठन की इन्फॉर्मेशन आई है, इसके बाद कोई उनकी तरफ से रिएक्शन अभी तक? जी अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अब तक उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये आतंकवादी संगठन कह रहा है कि इन्होंने पहले बिटकॉइन के थ्रू पैसे मांगे थे, पैसे की डिमांड की थी, तो क्या उसको लेकर अंबानी परिवार ने कोई शिकायत दर्ज कराई है? क्योंकि पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इसके पहले उनके पास कोई शिकायत नहीं आई थी। आप जो बता रही हैं, मैं सीधे आगे चलूंगा यहां पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।